प्रधानमंत्री कल जारी करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त। 75 करोड़ से अधिक किसानों को मिलेगा फायदा। संसद का मानसून सत्र आगे बढ़ा की उठाने की मांग। राज्यसभा सांसद ने कहा कि अभी मामले पर कराई चर्चा। आईटीबीपी में पहली बार महिला अफसरों की हुई भर्ती। पहले बैच में ही तो महिलाओं ने किया ज्वाइन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी के राज्यों को कोरोना वैक्सीन की 52 करोड़ से अधिक डोज उपलब्ध कराई। प्रदेश का मानसून सत्र 9 अगस्त से होगा शुरू। कोविड का लगाना अनिवार्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी पर। मैं हूं श्वेता और आप आइए रुक करते हैं मध्यप्रदेश की खबरों पर। मध्यप्रदेश विधानसभा का 4 दिवसीय मानसून सत्र सोमवार से शुरू होगा। मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि इस सत्र के लिए विधानसभा में एंट्री के लिए कोविड रोधी टीका लगवाना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि सत्र में कुल 4 बैठकें होंगी और 12 अगस्त को यह सत्र समाप्त हो जाएगा। विधानसभा को विधायकों से कल 1184 प्रश्न और 238 ध्यान आकर्षण नोटिस प्राप्त हुए हैं। इसी बीच विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सत्र के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक की, जिसमें प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ और संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी शामिल थे। मध्यप्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को काले झंडे दिखाना इंदौर भी कांग्रेसियों को महंगा पड़ गया। नतीजा यह रहा कि राजेंद्र नगर पुलिस ने कार्यकर्ताओं को इस हरकत से नाराजगी जाहिर करते हुए 10 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करते हुए 151 की कार्रवाई की गई और कोर्ट में पेश किया गया। दरअसल प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपने 2 दिवसीय दौरे पर इंदौर में है। बीते दिन राजेंद्र नगर थाना इलाके में गुजराते वक्त विपक्ष में बैठे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री को काले झंडे दिखाने का प्रयास किया। कांग्रेसियों की इस हरकत से जानकारी राजेंद्र नगर के थाना प्रभारी अमृता सोलंकी को दी गई, जिसके बाद थानाधिकारी मौके पर पूर्व बल के साथ पहुंचे और 10 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्त में ले लिया गया। छत्रा मंडी चौराहे पे कुछ कार्यकर्ता जो है वो आए और उन लोगों ने जो है नारेबाजी करते हुए पूरे रोड को ब्लॉक करने की जो कोशिश करी थी, जिसके कारण किसी प्रकार की संघीय अपराध घटित न हो एवं किसी प्रकार की शांति व्यवस्था भंग न हो, इसलिए गिरफ्तार किए हैं। मंदसौर जिले में शिवालय पर भक्तों का तांता लग रहा है। वहीं दर्शन करने भक्त पहुंच रहे हैं। वहीं जिले के नाहरगढ़ के नई आबादी में स्थित प्रसिद्ध युद्धेश्वर महादेव मंदिर पर सावन महीना का त्योहार को लेकर हरियाली अमावस्या को लेकर मंदिर में भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। दर्शन करने के लिए भक्त पहुँच रहे हैं। वहीं कई वर्षों से मेले में आयोजित होने वाले मेला कोरोना को देखते हुए लगातार 2 वर्षों से स्थगित है, जिसे लेकर भक्तों में निराशा देखी गई है। जी हाँ, बता दें कि जैसे प्रसिद्ध दुधेश्वर महादेव मंदिर पर सावन का महीने का त्योहार को लेकर हरियाली अमावस्या को लेकर मंदिर में भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। दर्शन करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। वहीं कई वर्षों से मेले से आयोजित होने वाले मेला कोरोना को देखते हुए लगातार 2 वर्षों से स्थगित है, जिसे लेकर भक्तों में निराशा देखी जा रही है। दुधेश्वर महादेव का मंदिर है, अति प्राचीन मंदिर है। श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण करने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर हरियाली अमावस्या के दिन जो भी भक्त मनोकामना अपनी मनोकामना करते हैं वह पूर्ण होती है। साथ ही
आयोजन भी होता है, लेकिन कोरोना के चलते हुए अभी 2 वर्षों से मेले का आयोजन नहीं हो रहा है। इसके लिए यहाँ की जनता है जो है इंदौर में थाना बाजार पुलिस आगामी त्योहारों के मद्देनजर पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में सदर बाजार थाना प्रभारी सुनील श्रीवास्तव ने शांति समिति की मीटिंग आयोजित की, जिसमें श्रेष्ठ के वरिष्ठ नागरिकों एवं नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों से आगामी त्योहारों मुहर्रम को कोरोना गाइडलाइन के पालन को लेकर चर्चा की गई, जिसमें क्षेत्र के वरिष्ठों ने अपने विचार व्यक्त किए और त्योहार को किस तरह बनाया जाए इसकी रणनीति भी तैयार की गई। साथ ही थाने के पूरे स्टाफ का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। स्वास्थ्य चेकअप परीक्षण की शुरुआत थाना प्रभारी सुनील श्रीवास्तव का चेकअप करके की गई। इंदौर में थाना सदर बाजार पुलिस आगामी त्योहारों के मद्देनजर पूरी तरह से मुस्तैद हो रही है। इसी कड़ी में सदर बाजार थाना प्रभारी सुनील श्रीवास्तव ने शांति समिति की मीटिंग आयोजित की, जिसमें क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों एवं नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों से आगामी त्योहार मुहर्रम को लेकर गाइडलाइन के पालन को लेकर चर्चा की जा रही है, जिसमें क्षेत्र के वरिष्ठों ने अपने विचार भी व्यक्त किए हैं और त्योहारों को किस तरह मनाया जाए इसकी रणनीति भी तैयार की गई। आज हमारे डॉक्टर साहब आए हैं और ये स्वास्थ्य कैंप लगाया है, जिसमें सभी जो कर्मचारी है उनका सबका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है और उनको जो भी बीमारी है उसके संबंध में कुछ दवाएं वगैरह अगर कुछ है तो डॉक्टर साहब। अगली खबर भोपाल से है, जहां भोपाल में अतिक्रमण अधिकारी नासिर खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी राम स्नेह मिश्रा ने बताया, बाद में थाने में महिला द्वारा एक आवेदन दिया गया था जिसमें नासिर खान के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। इस दौरान महिला से पूछताछ की गई तो महिला ने बताया कि 5 जुलाई को नासिर खान ने मेरे साथ निकाह किया था और एक हफ्ते बाद ही मारपीट करके मोबाइल पर नासिर खान ने 3 तलाक बोला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हाँ, वो कल देर शाम एक आवेदन प्राप्त हुआ था जिसमें महिला से पूछताछ की गई थी। पूछताछ के आधार पर ये तथ्य समझ में आए हुए थे कि उस महिला के साथ में नासिर खान जो आक्रमण अधिकारी है किया गया था और उसके एक हफ्ते पश्चात ही उसके साथ में मारपीट करने लगा था और मोबाइल के द्वारा 3 तलाक बोला गया था, तो उसी के तहत विधिसम्मत कार्रवाई। भोपाल में अतिक्रमण अधिकारी नासिर खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी राव ने बताया कि शाहजहांपुर थाने में महिला द्वारा एक आवेदन दिया गया था जिसमें नासिर खान के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। इस दौरान महिला से पूछताछ की गई तो महिला ने बताया कि 5 जुलाई को नासिर खान ने मेरे साथ निकाह किया था और एक हफ्ते बाद ही मारपीट करके मोबाइल में नासिर खान ने 3 तलाक बोला था। हरदा में समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद की उपभोक्ता व्यवस्था पर चंद दिन बाद ही नहीं होने से हरदा में समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद की उपभोक्ता व्यवस्था 55 दिन बाद ही नहीं होने से नाराज किसान ने किसानों व ग्रामीणों के साथ मिलकर विरोध किया। कृषि मंत्री कमल पटेल एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुतले गांव गांव फूके गए, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहन साई का कहना है कि खरीदी की उत्तम व्यवस्था नहीं की गई थी, सरकार की नियत में खोट है। शेष रहे 35 दिन में 35,320 किसानों से पूरी मूंग की खरीदी की संभव नहीं है। अपेक्षा के लिए परेशान किसान मंडी में मूंग कम दामों पर बेचने को मजबूर है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की विशेष प्रयास से मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग
1196 पर खरीदने का निर्णय लिया। भारत सरकार ने पहले 1,34,200 मेट्रिक टन की अनुमति दी, फिर हमने प्रयास किए पत्र लिखे कि हमारे यहाँ उत्पादन ज़्यादा हुआ है और इसलिए खरीदी की सीमा बढ़ाई जाए। भारत सरकार उत्पादन का 25% खरीदती है और उस लिहाज में भी 2,47,250 मेट्रिक टन साफ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं कि दाना दाना खरीदा जाएगा। आप बताइए इनके द्वारा पहले 1,34,000 मेट्रिक टन खरीदने की घोषणा की थी जो केंद्र से परमिशन दी थी, अभी 1,13 के लगभग और बचा के लाए हो तो उसके 2,50,000 मेट्रिक टन दिया था जो कि बाकी, जबकि 12,00,000 मेट्रिक टन पूरे मध्य प्रदेश में मूव हुआ है, कैसे खरीदेंगे दाना दाना ये बताए तो स्पष्ट है, इसलिए झूठ बोल रहा है। इसको लेकर हमारी किसान कांग्रेस के द्वारा पूरे हरदा जिले में कृषि मंत्री के और जावरा शहर में लगातार हो रही बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी है। इन दिनों जावरा की सड़कों पर रिपेयर की जरूरत है क्योंकि अगर सड़कों के गड्ढे नहीं भरे गए तो आगे आने वाले वक्त में आवागमन भी पूरी तरह से ठप हो जाएगा। इसी के लिए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUE के नेताओं ने नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा वहां पर रहने वाले स्थानीय नागरिकों के साथ मिलकर चक्का जाम किया गया और वहां पर पसरी हुई गंदगी को कीचड़ का ठेला गाड़ी में भरकर नगर पालिका ले जाकर नगर पालिका में डाला गया, एक समस्याओं से अवगत कराया गया जिस पर नगर पालिका प्रशासन तत्काल हरकत में आया और नगर पालिका इंजीनियर ने उक्त मार्ग का कार्यकल्प किया। संगठन NSUE के नेताओं एवं कांग्रेस कमेटी के नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा वहां पर रहने वाले स्थानीय नागरिकों के साथ चक्का जाम किया गया और वहां पर पसरी हुई गंदगी और कीचड़ का ठेला गाड़ी में भर कर नगर पालिका जाकर नगर पालिका में डाला गया। इन समस्याओं से अवगत कराया गया जिस पर नगर पालिका प्रशासन और नगर पालिका इंजीनियर सोनी ने उक्त मार्ग पर कायाकल्प किया। इंदौर के कनाड़िया रोड स्थित सब्जी मंडी में सब्जी का ठेला लगाने के विवाद में एक व्यापारी पर एक्टिवा सवार कुछ बदमाशों ने देर रात तलवार से हमला कर दिया। वहीं मौके से हमलावर फरार हो गए। कुछ देर बाद में सब्जी खरीदने पहुंची तो महिला घायल सब्जी विक्रेता को उठाकर चौराहे तक ले गई और रिक्शे से MY अस्पताल पहुंचाया जहां उसका इलाज जारी है। अभी सब्जी विक्रेता की हालत इस तरह बताई जा रही है, घायल की मां ने उसकी मां मीना की शिकायत पर नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि घायल राजू का पिता देवदास और आरोपी के बीच पुरानी रंजिश है, दोनों अपराधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। 6-8 बजे के करीब की बात है, संबित नगर सब्जी मंडी में एक राजू पिता देवदास पाटिल निवासी संबित नगर के ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ है। उस पर तलवार से कुछ लोगों ने हमला किया है जिस पर से थाने पर किसी प्राप्त हुई थी जिसकी राष्ट्रीय द्वारा की गई है, जांच में जांची रही है। जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनकी तलाश की टीम ने रवाना कर दी है, जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली। और ये कनाड़िया रोड स्थित सब्जी मंडी में सब्जी का ठेला लगाने के विवाद में एक व्यापारी पर एक्टिवा सवार कुछ बदमाशों ने देर रात तलवार से हमला किया। वही मौके पर हमलावर फरार हो गए हैं। कुछ देर बाद सब्जी खरीदने पहुंची तो महिला घायल सब्जी विक्रेता को उठाकर चौराहे तक ले गई और रिक्शे से MY अस्पताल पहुंचाया जहां उसका इलाज भी जारी है। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है जहां पानी के कारण फसलें बर्बाद हो चुकी हैं,
तो वहीं इंदौर जिले सहित मालवा निमाड़ के खेतों में अच्छी फसल होने की बात मौसम वैज्ञानिक ने पिपलियान स्थित अपने कार्यालय में कही है। डॉक्टर एच एल खापेड़िया ने कहा कि मालवा निमाड़ के फसल लाभदायक होगी यदि मौसम युक्त बना रहा और धूप निकलेगी तो सोयाबीन व अन्य फसलों पर मक्खी मच्छर और कीट का प्रकोप पड़ेगा। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसा उन्होंने किसान भाइयों की सलाह दी है कि कीट के प्रकोप से बचने के लिए फसलों पर सुबह शाम को कीटनाशक का छिड़काव करें ताकि फसल खराब न हो। इंदौर के राजीव नगर थाना क्षेत्र के आवास टाउनशिप के सामने रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां नशे में धुत चार लड़कियां तेज रफ्तार से कार निकाल रही थी, तभी आगे चल रहे 39 वर्षीय देवीलाल सिंह से मौके पर ही मौत हो गई। घटनाक्रम के बाद राहगीर लोगों ने कार को घेर लिया। बताया जा रहा है कि लड़कियां इतने नशे में थी कि वह कार से उतर भी नहीं पा रही थी। जानकारी के मुताबिक विजयनगर क्षेत्र की रहने वाली गार्ग महेश्वरी कार चला रही थी और उसके पास लाइसेंस भी नहीं है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रात्रि में करीब 11:30 बजे के करीब एक हेड डाल के सूचना मिली थी कि एक एक्सीडेंट हुआ है। मौके पर एक लड़की है जिनकी डेथ हुई है, वो मोटरसाइकिल से थे। उनके साथी ने FIR लिखवाई है, अभी उनका PM वगैरह करवा दिया गया है। सामने से कार में चार युवतियां थी, जो युवती जो कार चला रही थी उनको जो है जो प्रोसेस से गिरफ्तार किया जाता है, उनको जमानत मिल सके रिहा किया गया। विवेचना जारी है, उसमें हम लोगों ने मेडिकल करवाया है और चूंकि क्वांटिटी वाली बात कुछ आ नहीं रही है, यह जरूर है कि स्मेल जो है वो बताई जा रही थी उसके आधार पर। इसी के साथ मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।